आज क्या है? आज हैप्पी दिवाली। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। जैसा कि हम बहुत दिनों बाद ब्लॉग लेकर आ रहे हैं और आज है स्पेशल डे जो कि हमारा शादी की सालगिरह है। आज इसको हम सेलिब्रेट करेंगे बहुत छोटे लेवल पे, क्योंकि अभी कोविड चल रहा था, हम ज्यादा बाहर कहीं जाएंगे नहीं। और अभी बच गए सुबह के 7, अभी उठ गए हैं और अभी नहा धो के रेडी होते हैं फटाफट। और यह है टिंकल जो सो रही है, ये तनु रेडी हो गया उठ के। स्टार्ट करते हैं ब्लॉग आज का और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज क्या खास करने वाले हैं, क्या स्पेशल होने वाला है। वो तो आपको वीडियो में मालूम चल ही जाएगा। सो चलिए, तो सबसे पहले हम चाय पी लेते हैं। अभी मौसम बहुत ठंडा है और आज धूप तो कहीं दिखी नहीं रही। आज हमारे ब्रेकफास्ट में है मटर पुलाव, बहुत ही टेस्टी है। गाइस आज हम बनाएंगे दाल बाटी चूरमा, उसके लिए हमने ये जगला तैयार कर लिया है। अब इसको हम आग लगाते हैं और ये मस्त तरीके से जल चुका है। जैसा कि आज हम दाल बाटी चूरमा बनाएंगे, तो ये है बाटियां और ये है चूरमे के लड्डू और ये बाजरे के लड्डू जो अभी इस पे सिक रहे हैं और उसके बाद ये तैयार होंगे। तो गाइस अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी हम जाएंगे मार्केट में थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। जब तक हमारे चूरमा बाटी भी रेडी हो जाएंगे, फिर मिलते हैं आपको वीडियो में। चले, गाड़ी तो बाहर ही खड़ी ना। चलो ठीक है, तो तनु और हम दोनों जा रहे हैं मार्केट और शॉपिंग करके आते हैं। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना तुम। और अब पहुंच गए जोधपुर सीट होम, यहाँ से मिठाई लेंगे। ये वाली तुम अच्छी ना, एक तुम ये वाली लेते हैं, ये वाली ये मिक्स कर लेते हैं। ले चलते हैं। तो गाइस हमने मिठाई तो ले ली, अब हम केक लेते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। केक छोटा केक दो दो यार, मतलब शादी की सालगिरह तो कर लेते हैं सेलिब्रेट थोड़ा सा। ठीक है तुम ये सही है, ठीक है। तो अभी हम मार्केट से शॉपिंग करके आ चुके हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो केक कौन लेके आएगा? केक पापा तो नहीं कर आएंगे भाई, मैं तो गुब्बारे ले आया। तो अब केक तो तेरे को लाना चाहिए ना। पापा को तो लाना चाहिए ना। तो पापा से बात हुई थी? हाँ। कब? अभी। क्या बोले? मैं केक नहीं आऊंगा आराम से, फिर तुम लोग हैप्पी बर्थडे बनाना है मुझे। हैप्पी बर्थडे थोड़ी बनाएंगे। हाँ, और मजे करने आराम से। आज आज क्या है? आज क्या है? आज हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली? हाँ। अबे हैप्पी दिवाली नहीं है, आज बड़ी मम्मी का शादी है। बड़ी मम्मी की शादी है आज? तो बड़ी मम्मी की अकेले की शादी थोड़ी हुई है, मैं भी तो था ना साथ में। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या बोलेंगे इसको? जैसा कि गाइस आज तिलकुटा चौथ है, उसका व्रत खोलने के लिए पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और तब भी आ चुका है नीचे, तो हम छोटी सी पार्टी की सेलिब्रेट करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे? और ये हमारे छोटे मेहमान आ चुके हैं हमारे एनिवर्सरी में। हेलो, अरे भाई देखो तो सही, अरे क्या कर दे। अच्छा अच्छा, हमारी 15वीं एनिवर्सरी है और हम फर्स्ट टाइम मना रहे हैं। कैसी लगी कमेंट जरूर करना। छोटे भाई ने पहली बार वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया लेकिन सोते हुए। सो गाइस चांद निकल के आ गया है और हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। सामने चांद दिख सकते हैं आप, ये रहा, स्पेशल त्यौहार है महिलाओं के लिए। जैसे ही गाइस हमारा आज खाना रेडी हो चुका है और यह है चूरमा, यह है बाजरे का लड्डू और ये बाटी है
दो स्वीट हैं, ये दाल है और ये रसमलाई और ये कुछ स्वीट डिश। तो आज हम हमारा खाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी चांद दिख गया है और फटाफट बर्थ खोल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे वीडियो में। इस आज का ब्लॉग हम यही करते हैं, जैसा कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज के ब्लॉग में खास था कि आज हमने फर्स्ट टाइम शादी की सालगिरह का प्रोग्राम बनाया, छोटा सा केक काट के आज हमने सेलिब्रेट किया। और दूसरा, हमारी वाइफ का आज फास्ट था, जो कि तिलकुटा चौथ, जो कि साल पे एक ही बार बनाई जाती है। और इस बार क्या था कि जो बरवाड़ा का जो मंदिर है वो बंद था, तो आज घर पे ही हमने पूजा की है और इस ब्लॉग को बनाने की कोशिश की है। सो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पे जो नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।